रामपुर में कोसी नदी पर बनाए जा रहे पुल का काम रोके जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान आजम खान ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। आजम निर्माणाधीन पुल के पिलर पर सीढ़ी लगाकर खड़े हो गए। वहीं पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार को भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह बेशर्म और गुंडों बदमाशों की सरकार है। सीतापुर और रामपुर का रिश्ता आप अच्छी तरह समझ सकते होंगे, सीता से राम का और राम से सीता का। अभी भारतीय जनता पार्टी के कारिंदों ने, नौजवानों ने, उनके वर्कर्स ने सीतापुर में दरोगा की जूतों से और थप्पड़ों से सिकाई करी है बहुत संभाल के। अरे जब राम की ससुराल में ये काम हो गया तो राम का घर कैसे बच जाएगा? ससुराल में जूतों से पिटाई हुई दरोगा की और यहाँ पर दरोगा को लुंजा और अपाहज कर दिया, हाथ तोड़ दिया। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये बेशरम सरकार है, ये गुंडे और बदमाशों की सरकार है, ये देश और प्रदेश को लाकानूनियत अराजकता की तरफ ले जाने वाली सरकार है। जिस सरकार में थाने के अंदर दरोगा का हाथ तोड़ दिया गया हो, उस सरकार पर जितनी धिक्कार करो कम है और जितना थूको उसके नाम पर कम है। दरअसल ये पुल आजम खान के करीबी और चमरोया से विधायक नसीर खान के विधानसभा क्षेत्र और उनके बेटे के विधानसभा क्षेत्र स्वार टांडा को जोड़ता है। इसीलिए आजम खान कई बार इस पुल के निर्माण कार्य को शुरू कराने का मुद्दा उठा चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।